इस सर्दी के मौसम में गाजर की रेसिपी तो बनाना बनता ही है। आज मैं आपको गाजर की जबरदस्त टेस्टी रेसिपी बताऊंगी। झटपट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और अगर आपके पास इस तरह का इडली कुकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस रेसिपी को कढ़ाई में या फिर भगोने में भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजर लिया है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और मेरे यहाँ पे इस तरह के लाल वाले रसीले गाजर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का छिलका है इसे उतार लेते हैं। ऐसे तो इस रेसिपी को ऑरेंज कलर के गाजर से भी बनाया जा सकता है, मगर वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा जो इन लाल गाजर से आएगा। मुझे तो ये आधा किलो गाजर 30 रुपए के पड़े हैं, यानी 1 किलो गाजर 60 रुपए के हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके शहर में लाल गाजर की क्या कीमत है। छिलका भी मैंने उतार लिया है, अब हमें ना इसके पीसेस कट करने हैं। और हाँ, जब ये गाजर थोड़े सस्ते हो जाए ना, तब आप इस रेसिपी को जरूर बनाना। और ये जो बीच का पार्ट है ना, जो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये पार्ट हमें नहीं लेना है, तो इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। बट अगर गाजर आपके एकदम पतले है तो उसके बीच का पार्ट जो है वो नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, बट थोड़े से मोटे गाजर होते हैं तो उसका बीच का पार्ट निकालना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच के साइज में मैंने इसे इस तरह से लंबे लंबे कट करके लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इडली का मोल्ड लिया जिसमें हम इडली बनाते हैं, तो इनमें इसे इस तरह से हम रखते जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का इडली मोल्ड नहीं है तो आप नॉर्मल थाली में भी इसे रख सकते हैं। एक साथ जितने आपके आते हैं उतने आप रखें। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्ड को मैंने रेडी कर लिया है, और थोड़े से जो मोटे मोटे इन्हें मैंने इस तरह से दूसरे इसमें रखा हुआ है। एक में मैंने एकदम पतले पतले पीसेस रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि दोनों को पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट जो मोटे पीसेस हैं उन्हें मैं नीचे साइड रखूंगी, जिससे कि उन्हें जो भाप है वो ज्यादा लगे और जल्दी से वो भी पक जाए। तो गैस पे मैंने इडली कुकर रखा है जिसमें मैंने 2 ग्लास पानी को गर्म करने रखा था, जो कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे इडली कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे स्टीम करने के लिए। आप नॉर्मल भगोने में या फिर कढ़ाई में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो सबसे जो मोटे मोटे वाले पीसेस है उन्हें मैं नीचे साइड रखूंगी, और जो पतले पीसेस है इन्हें मैं ऊपर साइड रखती हूँ। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 8 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। चलिए गाजर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गाजर का जो कलर है वो हल्का चेंज हो गया है, और साथ ही में ये काफी सॉफ्ट और मुलायम लग रहा है। कितने आसानी से छुरी इसमें घुस गई है, ये अच्छे से स्टीम होकर पक गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। जो बड़े वाले पीसेस थे जिसे हमने नीचे रखा था, देखिए ये भी आराम से इंसर्ट हो रहा है ना, इसे बाउल में निकाल लेते हैं जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, और इसे हम हल्का ठंडा होने देते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। ध्यान रहे, इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे तेल या बटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें बादाम, पिस्ता और काजू है। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में भुनने से इनका जो फ्लेवर है और भी निखर कर आएगा, और साथ ही में खाने में थोड़े क्रंची भी लगेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी घी में हमने जो गाजर को निकाल के साइड में रखा था इन्हें हम डाल देते हैं, और घी के साथ 2 मिनट के लिए गाजर को भी भून लेंगे। इस तरह गाजर को घी में भूनने से हल्का क्रंची हो जाएगा, और घी के सारे जो फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे से आ जाएंगे। और इतना घी काफी है पूरे रेसिपी के लिए, इससे ज्यादा हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो गाजर डाला था वो गाजर ने सारा घी अच्छे से सोख लिया है, तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये कच्चा दूध नहीं है, यानी कि ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, मतलब जैसे बॉईल करने के बाद दूध को हम नॉर्मल ठंडा करके लेते हैं वही वाला ये दूध है। और इस रेसिपी के लिए हमें 2 कप दूध लेना है, वजन में देखा जाए तो ये 1/2 लीटर दूध है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इस तरह का मैशर लिया है जिसे हम नॉर्मली आलू को मैश करते या फिर पाव भाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह का मैशर नहीं है तो नॉर्मल चम्मच से भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब हम इसे दूध में अच्छे से मिलाते हुए मैश करते जाएंगे, जिससे कि ये अच्छा सा इसका ना एक गुदा बन जाए और बड़े बड़े पीसेस ना रहे। 1/2 किलो गाजर के लिए हमें 1/2 लीटर दूध का ही इस्तेमाल करना है,
और इस रेसिपी के लिए मैंने पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल किया है, मगर अच्छे क्वालिटी वाला दूध लिया है, यानी कि फुल फैट मिल्क, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में मलाई निकलती है। तो उसी तरह का दूध आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको इस रेसिपी के लिए मावा खोया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल पैकेट वाले दूध में भी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। विद इन 1 मिनट के अंदर पूरे जो गाजर हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से मैश हो गए हैं। तो आप मीठेपन के लिए हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं, और इतना मीठापन मेरे लिए सफिशियंट है। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम लो फ्लेम पे इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाएंगे, इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है, मगर ये अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, अभी भी ये पानी पानी लग रहा है, क्योंकि गाजर ने भी अपना पानी छोड़ा है। पर इसी तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सूखने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ऑलमोस्ट इसका जो पानी था सूखने के लिए आ गया है, पर पूरी तरह से इसे हमें ड्राई नहीं करना है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े चंक्स थे, बड़े बड़े पीसेस थे गाजर के, अब देखिए कैसा मैशी मैशी हो गया है पूरा, और काफी दरदरा कोस वाला टेक्सचर इसे मैंने दिया है। तो इस स्टेज पे अब हम करेंगे कि हमने जो ये फ्राई करके सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचाएंगे जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और गैस को तेज करके हाई फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट के लिए सौटे करेंगे। नॉर्मल तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाने जाते हो तो उसे कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मेहनत लगती है, और फिर उसे पकाकर उसके बाद गाजर का हलवा बनाया जाता है। काफ़ी टाइम तक उसे अच्छे से घी में भुनना पड़ता है, मगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी मेहनत और साथ में आपका टाइम दोनों भी बचेगा। अभी आप देखोगे जैसे जैसे आप इसे भून रहे हो ना, इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल चेंज होता गया है, साइड से घी भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें मावा या खोया डाला था। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें मलाई के छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं और बिल्कुल मलाईदार रसीला ऐसा हमारा ये हलवा बनके रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए रेसिपी तो काफी पुरानी है, मगर टेस्ट आपको नया मिलेगा। ऊपर से थोड़े से हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो डालेंगे, और गाजर का जो हलवा है ना, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी मजेदार गाजर का हलवा बनके रेडी है। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने में ही मजा आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।